हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आई टी सिस्टर जी में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं SCBT या NCBT के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों किस तरह से ड्राइंग किया जाता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, ये हम ड्राइंग बताने वाले हैं कि किस तरह से। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 1995 पूछा हुआ था। तो उसको हम क्या करना है दोस्तों, आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको बताना है, टॉप फ्रंट साइड भी निकालना है। किस तरह से लिख लेगा इसका दोस्तों, इसका देखिए टॉप दोस्तों क्या है, ऊपर वाला को कहते हैं टॉप, ऊपर वाला फेस को टॉप कहते हैं, बगल वाला को दोस्तों क्या कहते हैं उस, और जो सामने सामने देखते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, कहते हैं ना फ्रंट है ये। फिर इसके फ्रंट को क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, साइड मतलब तो साइड ही होता है दोस्तों। इसका ऊंचाई देखिए दोस्तों 60 दिया हुआ है ना, 60, और इसके अंदर वाला जो दोस्तों यहाँ से इसका जो है 40 दिया हुआ है। फिर इसका देखिए दोस्तों कितना है, ये 25 दिया हुआ है इधर, ये टोटल दूरी यहाँ से कितना है दोस्तों 45, फिर इसका 40, और फिर इसका देखिए 75 है, यहाँ मतलब यहाँ से लेके 75 है। तो हमको यही ड्राइंग करना है। तो चलिए आपको किस करना है, जैसे थर्ड एंगल पूछा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे क्वाड्रेंट दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ये फोर्थ। जब थर्ड एंगल में पूछ लेगा दोस्तों, थर्ड एंगल में तुमको क्या बना, टॉप इसमें बनेगा ठीक है ना, टॉप इसमें बनेगा, टॉप के जस्ट नीचे क्या बनेगा हमारे दोस्तों, एलिवेशन बनेगा, एलिवेशन यानी कि फ्रंट ठीक है ना, इसमें फ्रंट बनेगा, इसमें साइड बनेगा। तो इतना तो समझ गए, तो हमको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से कर लेना है। तो चलिए हम बना चुके थे दोस्तों पहले थे, तो क्या करना है दोस्तों आपको लिखना, देखिए दोस्तों 60, तो मेरा दोस्तों 60 खींच लिए ठीक है ना, देखिए 60 है ना यहाँ से दोस्तों, 60 ले लिए, और इस तरह कितना है दोस्तों 75। तो देखिए दोस्तों मेरा 75 यहाँ से पूर रहा है ना, देखिए 75 यहाँ पे रखिए, और 75 है ना दोस्तों, ये मेरा 75 हो गया, 75 दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला 75 और ये ऊंचाई 60 हो गया। तो दोस्तों आप 75 ले लिया, और ये देखिए दोस्तों कहाँ है, ये यही ना है दोस्तों 60, ये कितना है दोस्तों 60। तो हम टॉप बना रहे हैं, तो टॉप बना रहे दोस्तों, तो आप जब देखिएगा ऊपर से दोस्तों, तो ऊपर से देखिएगा तो आपको ये जो लाइन जा रहा है दोस्तों डॉटेड करके नीचे तक ना होगा दोस्तों, ये नीचे तक डॉट डॉटेड करके नीचे तक होगा, होगा कि नहीं, ये नीचे तक होगा ना दोस्तों, ये जो आया है इसके अंदर से, तो ये तो नीचे तक होगा, फिर ये भी नीचे तक होगा, फिर ये भी नीचे तक होगा, नहीं देख पा रहे हैं ना इसको, इसको तो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसी की वजह से हमें क्या करना है, डॉटेड करना, और फिर कितना पे करना है दोस्तों, 10 10 10, टोटल दूरी 10, टोटल कितना 30 है, तो 10 10 करके हम खींच दिए इस तरह से। अब दोस्तों हम खींच दिए, तो फिर हमको क्या करना है, फिर आपको एक चीज़ और करना होगा ना, देखिए इसका कितना दूरी दिया है, तो दोस्तों इसका जो दिया है कितना दिया है दोस्तों 45, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो हम बीच से खींचे हैं, मगर कितना कितना दोस्तों है, कितना पर ही बीचों बीच है खींचा, वो देखे ना यहाँ से देखिए बीचों बीच खींचा है, तो हम इसी की वजह से दोस्तों बीचे बीच खींचे हैं दोस्तों, ये 60 है तो इधर 30 हो गया, ये भी 30 हो गया ना। तो हमको क्या करना है, इस तरह से हमको इसको हाईलाइट कर देना है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, 30 30 लेना था ना, ये 30 था, तो देखिए इधर 30 हो गया, फिर इधर क्या है, फिर इसको रखना है इस पर, इधर 30 हो गया, फिर क्या करना है, इस तरह से कर देना है। देखिए दोस्तों 10 10 था ना, देखिए 10, फिर 10, फिर 10, 30, तो दोस्तों हम वही किए, देखिए ना 10 10, देखिए है ना दोस्तों, देखिए यहाँ से 10, फिर 10 10, 30 हो गया, और देखिए टोटल 60 हो गया, फिर इधर देखिए 45 है ना दोस्तों, 45। तो आपको इतना समझ में आ गया, अब इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो क्या करना है हमको, फिर हमको फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट दोस्तों 75, तो 75 दोस्तों सेम सेम ले लेंगे 75 यहाँ से, माफ़ किया 75 लेने के बाद दोस्तों इसका ऊँचाई है 60, तो हम 60 ले लेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले आप मापना सिखाते हैं, कितना दोस्तों 75 है ना, ये मेरा 75 है, फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 60 देखिए ना, 60 देखिए 10 20 30 40 50 60 है ना, तो 60 ले लिए। हमको क्या करना है दोस्तों, ये हमको दिखाना पड़ेगा, ये वाला जो भाग है दोस्तों फ्रंट बना रहे तो ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा दोस्तों, तो हमको क्या करना है, इस तरह से कर दिया, मगर इसका जैसे दोस्तों डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 10 है, तुमको 10 तो दिखाना पड़ेगा है कि नहीं, फिर ऊपर से 10 और बीच वाला 40, तो क्या करना है हमको, चलिए हम दिखा देते हैं इसको, अब क्या करना, देखिए यहाँ से लेना है 10 पे, यहाँ मारना है, फिर 10 जब इधर कर दिए दोस्तों है ना 10, तो फिर 10 हमको यहाँ से भी लेना पड़ेगा ना, फिर इसमें भी लेना पड़ेगा 10, फिर 10 है
है कि नहीं। ये 10-10 ले लिए, अब हमको क्या करना है, 10-10 जब ले लिए दोस्तों फिर हमको ये फिर नल लेना पड़ेगा। देखिए फिर यहाँ से ये, फिर ये, फिर आपको रखना है फिर ये और ये। तो चलिए आपको क्या करना है, 10-10 पे ले के यहाँ से यहाँ पे ला के छोड़ना है। फिर देखिए यहाँ से इस बिंदु के इस तरह से कर दिए। आपको क्या करना दोस्तों, इस पॉइंट को इस पॉइंट देखिए मिला देना इस तरह से, इस तरह से मिला दिया। तो मेरा देखिए दोस्तों ये वाला बन गया ना, ये हमको बनाना था। बट फिर क्या दोस्तों, यहाँ से 20 ये दिखाना पड़ेगा ना, ये वाला भाग ये भी ना मेरा बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा फ्रंट में। तो फ्रंट फ्रंट में लेना है तो दोस्तों कितना था, 20 है ना। देखिए दोस्तों यहाँ इसका ऊंचाई दिया हुआ है 20, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, रख लेना है और 20 यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये कर दिया तो फिर हमको 30 छोड़ना पड़ेगा इधर से। तो हमको क्या करना है, हाँ चलिए तो इस तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर 20 कर दिया, हो गया ना 20 से। तो चलिए 20 हो गया, तो हमको क्या करना है, इधर हो गया 20 तो इधर हो गया 45। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है और इस पॉइंट को यहाँ पे सटा के देखिए दोनों इसे इसको खींच देना है। देखिए इस तरह से खींच दिए। अब हम खींचे हैं दोस्तों तो फिर हमको ये भी दिखाना पड़ेगा है कि नहीं। ये खींचे हैं दोस्तों, यही लाइन खींचे हैं ये वाला तिरछा। तो फिर दोस्तों ये खींचे हैं तो फिर को ये दिखाना पड़ेगा, फिर से ये दिखाना पड़ेगा है कि नहीं। तो चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। लेकिन ऊपर से देखिए दोस्तों ये कितना है, इस ये कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए बनाते हैं, ये तो हो गया। फिर 10-10 छोड़ना पड़ेगा ना इसके अंदर में है। तो दोस्तों यहाँ से फिर 10, फिर 10। तो चलिए हमको क्या करना है, 10 फिर यहाँ पे ऐसे मापना है। देखिए 10, 10 हो गया ना, 10 मेरे का आता है यहाँ। फिर 10 इधर से भी छोड़ना पड़ेगा ना 10। तो चलिए 10 यहाँ से लेना है, फिर इधर भी लेना है ना 10। चलिए 10, 10 देखिए दोस्तों 10-10 कौन लिया है, ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है, फिर यहाँ से ये और फिर ये यहाँ से ये। तो ये भी देखेगा ना, मगर क्या दोस्तों, लेकिन वो दिखेगा फिर से तो हमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि इस कहाँ पे जा रहा है इसका ये वाला। तो इसी की वजह से हम डॉट करके ये दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ फिर रख के क्या इस तरह से, फिर यहाँ फिर से रखना है इसको भी डॉट। देखिए इस तरह से हमको डॉटेड करके क्या दिखाना है। देखिए अब मेरा क्या है, एक फ्रंट बन गया। देखिए यहाँ से ये वाला मेरा बन गया, ये तो दिख रहा है फेस। फिर यहाँ से देखिए कटा हुआ भाग दिख रहा है ना ऐसे, देखिए यहाँ से दिख रहा है कटा हुआ भाग दिख रहा है। फिर दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा ना, ये देखिए ये वाला भाग। तो फिर देखिए ये कटा हुआ भाग फिर हमको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ से डॉटेड करके, और इसी का ना दोस्तों ये वाला। तो हमको यही डॉटेड करके हम दिखाए हैं। अब दोस्तों ये बन गया तो हमको क्या करना है, ये निकालना है और ये निकालना है, इसके ये निकालना है यानी कि साइड। साइड कैसे निकालेंगे दोस्तों, साइड इसका दिया हुआ 60 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो सेंटीमीटर है दिया हुआ, तो क्या करना है हमको 60 निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ फिर इसी को इसे करिए सटा दीजिए, देखिए ऐसे करके और इसको खींच लीजिए आप 60 ठीक है। ये हम खींच लिए, अब देखिए ये तो 60 खींच लिया, फिर 30-30 डिवाइड करना होगा ना हमको। तो 60 पहले हम मापते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से आ गया
और ये 10 10 बोल रहे हैं, सॉरी। देखिए ये हो गया 60, फिर यहाँ से इसको देखिए, ये भी हो गया मेरा 60। आपको क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। देखिए इस तरह से मिला दिए, आपको 30 30 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 10, सॉरी 30, और फिर 30 तीस तीस डिवाइड, 30, फिर से 30 यहाँ पे, आपको क्या करना है, 30 30 लेके, लेकिन दोस्तों 30 30 लेना है। फिर ऊपर क्या करना है दोस्तों, ऊपर ये भी छोड़ना होगा ना आपको, है कि नहीं, तुमको ये भी लेना पड़ेगा, लेकिन 20 10 40। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 40 ले लेना है नीचे से, देखिए 40 लेना है यहाँ पे मिला के 40, चालीस देखिए, ये तो 40 लेना होगा ना, ये 40, यही 40 लिए हैं। फिर क्या करना है, और फिर यहाँ से दोस्तों कितना, ये 20, 20 है ना, तो ये भी 20 होगा। तो चलिए 20 इधर से भी हम ले लेते हैं, यहाँ से रख के 20, लेकिन पहले हम कुछ खींच लेते हैं, 30 पे खींचना है इसको, यहाँ पे रख के देखिए 30। फिर क्या करना है, हमको इसको खींच लेना है यहाँ से मिला के 30। देखिए यही ना खींचे हैं हम, ये वाला खींचे हैं, तो ऊपर तो बच ही जाएगा ना दोस्तों। ये कितना है मेरा, 20। तो देखिए ये भी मेरा 20 है, तो फिर मेरा ये भी 20 है ना, देखिए 20 यही दिया हुआ है, 20। तो हम इसी वजह से खींचे हैं। अब हमको क्या करना है, 20 पे मिला लेना इसको, देखिए चलिए 20 पे मिलाते हैं हम, यहाँ से रख के रख दिया, अब इसको मिला लेना है, चलिए यहाँ से 20 हो गया ना, ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर से ये हमको दिखाना पड़ेगा ना, देखिए यहाँ से ये तो कटा हुआ है ना, पर फिर यह भी ये भी ना होगा दोस्तों इस तरह से यहाँ पे, तो हमको डॉटेड करके भी हमको फिर से क्या करना, दिखाना पड़ेगा 10 10 पे। तो देखिए 10 10 यहाँ पे था है, तो 10 हम खींच लेते हैं इधर, समझा देंगे एक बार फिर से दोस्तों, देखिए इसको डॉटेड करके हमको दिखाना पड़ेगा, देखिए जो नहीं दिखता है ना दोस्तों, वो हमको डॉटेड करके दिखाना पड़ता है ड्राइंग में, जो भाग हमको नहीं दिखता है, इस तरह से कर दिया। अब दोस्तों हम इस तरह से कर दिए, तो फिर मेरा ये भी दिखाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, तो आप देखेगा मतलब इधर से देखिएगा दोस्तों, है ना, तो आपको ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, बट ये जो दोस्तों ऊपर है, तो इधर कहीं तो नीचे आ रहा है ना, ये ऊपर से भी देखते तो नीचे आया था ना, देखिए इस तरह से जब टॉप में बनाए थे तो नीचे आया था ना, फिर इसमें भी देखो नीचे आया था, तो क्या करना है, इसमें भी नीचे आना होगा ना, तो हमें क्या करना है, इसमें डॉटेड करके दिखाना पड़ेगा, और फिर ऊपर जो था दोस्तों 10, हमको ये भी दिखाना पड़ेगा, काहे कि दोस्तों पूरा होता है ना, ये तो काट काट के अलग कर लिया, तो हमको ये शेप में दिया होता, नहीं तो क्या है दोस्तों, अभी तो इसको रबड़ है, तो इसको हम काट के बना देंगे कुछ इस तरह से, कुछ यहाँ से काट कटा देंगे, कुछ फिर इधर से काट कटा देंगे, तो दोस्तों हमको पूरा ना मेजरिंग करना होगा, बट काट के हमको यही दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से ये कटा हुआ है, फिर यहाँ से ये कटा हुआ है, तो इस तरह से ये भी कटा हुआ है, तो हमको क्या करना है, 10 10 ऊपर भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम 10 10 देखिए 10 यहाँ से कर लेना है, 10 फिर यहाँ से करके, या फिर इसको भी डॉटेड करके दिखाना है, देखिए 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 10 करके दिखा दिए। अब 10 दिखाए कौन दोस्त, हम ये दिखाएं, देखिए यहाँ से जो दिख रहा है ये भी ऐसे करके होगा, होगा कि नहीं, लेकिन क्या होगा, पूरा होगा ना ये, जैसे यहाँ तो फिर इतना हाइट ऊपर भी होगा, लेकिन काट लिया, तो इसी वजह से हमको डॉट करके दिखाना है। तो ये तो कर लिया, फिर हमको अंदर वाला दिखाना है, तो अंदर वाला में कितना है दोस्तों, 30 30, तो 10 10 करके हमको दिखाना पड़ेगा, देखिए 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 10 हमको फिर यहाँ से 10 10 इस साइड इधर और इस साइड इधर। अब वो क्या करना है, इसको भी डॉटेड करके ही हमको दिखाना पड़ेगा, देखिए
इस तरह से। देखिए इस तरह से हमको दिखाना पड़ेगा ना, ऊपर जो बनाए दोस्तों, तो यह ना किए देखिए, दस दस दस, तो यह ना किए दस दस दस, ये जो खींचे दोस्तों यहाँ से आता ना, अभी देखिए इधर इधर हो गया, फिर इधर करके इधर आता, तो ये हमको दिखाना था तो आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये मेरा बन गया, इसका क्या बन गया दोस्तों, ये दोस्तों मेरा है प्लान, ये दोस्तों प्लान है, ये मेरा क्या दोस्तों फ्रंट है। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, एलिवेशन, ये दोस्तों क्या है मेरा साइड। तो आपको इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। आप हमको क्या करना है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया आपको, अब हम क्या क्या करना है दोस्तों, डायमेंशन करना है, तो आपको डायमेंशन भी करना है। लेकिन दोस्तों जो अब मेरा बच गया जो लाइनिंग दोस्तों बड़ा बड़ा निकल गया था, उसको क्या करना है, इरेज करके हटा देना है। देखिए इस तरह से हटा देना है, कि नहीं, इस तरह से आपको इरेज करके हटा देना है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये तो हट गया, अब हमको डायमेंशन करना है। तो चलिए हम डायमेंशन भी करते हैं इस तरह से, जिस तरह डायमेंशन क्या, जितना जितना लिया ना सब डायमेंशन अभी करके बता रहे हैं आपको वीडियो रोक। तो दोस्तों हमको क्या करना था, इस तरह से देखिए, इस तरह से ना दोस्तों, क्या दोस्तों आपको दिख रहा होगा अच्छा से, इस तरह से आपको क्या डायमेंशन कर देना है। तो आपको डायमेंशन कर देना, देखो दोस्तों इस तरह से था ना, इस तरह से देखिए डायमेंशन इसमें भी क्या हुआ है दोस्तों कि 60 फिट 40, तो इस तरह से डायमेंशन कर रहे थे दोस्तों, ये जो लाइन था दोस्तों पूरा खींच दिए थे, ठीक है ना। मगर क्या दोस्तों देखिए यहाँ से जो दिख रहा है फ्रंट, फ्रंट में दोस्तों इधर है ना कटा हुआ भाग जो दिख रहा है दोस्तों, कटा हुआ भाग नीचे से 10, फिर दोस्तों क्या ऊपर वाला भाग है ना, तो ये भाग पूरा नहीं होगा, मैंने पूरा खींच दिया था इसके लिए सॉरी। बट क्या करना, इस तरह से देखिए, अब देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा एकदम सेम सेम दिख रहा होगा, देखिए ना इस तरह से देखिए ये, तो फिर ये वाला मिल गया, फिर ये, तो आपको क्या करना, इस तरह से मिला लेना है ऊपर वाला जो भाग दोस्तों दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है 10, देखिए ऊपर से ये 20 है, तो ऊपर से ये 20 छोड़ दिया मैंने, है ना, है कि नहीं, ऊपर से मैंने 20 छोड़ दिया, फिर नीचे से देखिए दोस्तों 10 सॉरी 20, तो 20 ऊपर देखिए अब है ना दोस्तों, ये बच गया, तो बीच वाला ये बन गया, फिर इस तरह से देखिए, इस तरह से दिख रहा है ना आपको, इस तरह से इसे, फिर ये लंबा, फिर छोटा, मतलब अब इस तरह से बन गया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्त में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको हाथ जोड़ के कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, ऑल डायमेंशन आर इन क्या है एम, ठीक है ना, कहीं पर पोल लिख देना, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपको जगह मिले, ऑल डायमेंशन, डायमेंशन और एमएम, सब में एमएम बना लिया दोस्तों। तो क्या है देखिए, ऑल डायमेंशन और एमएम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।